नमस्कार। नेचुरल लाइफस्टाइल के सभी सदस्यों को, सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मित्रों, दशहरे का त्यौहार, विजयदशमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रामायण में दो तरह के पात्र हैं, एक राम की सेना और एक राक्षसों की सेना, और दोनों पात्रों में अगर हम राक्षसों की सेना का भोजन देखते हैं तो राक्षस अपने भोजन में मांस, नॉनवेज, मदिरा, शराब इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अगर हम देवताओं की सेना का भोजन देखते हैं, राम की सेना के पात्र अपने भोजन में शाकाहार, कंदमूल, फल इत्यादि का प्रयोग करते हैं। एक और विशेष बात, विजयदशमी के दिन हम नवरात्रों में जौ की खेतरी बोते हैं, हरी हरी घास बहन भाई के कान पर रख देती है और भाई को तिलक करती है। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्यों बोल दिया कि इतनी मेहनत से 9 दिन तक जौ की खेती की, उसको पानी दिया, उसको सींचा और विजयदशमी के दिन बहन ने भाई के कान पे घास रखी और फिर बाकी सारे जवारों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके पीछे ज़रूर कोई गहरी साइंस होनी चाहिए। इसके पीछे गहरी साइंस ये है कि हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि इन दिनों में हीलिंग क्रेसिस जाते हैं क्योंकि चेंज ऑफ वेदर होता है, लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, वायरल फीवर इत्यादि हो जाता है, क्यों ना नवरात्रों का एक त्यौहार मनाया जाए और लोग 9 दिन के उपवास करें। जब लोग 9 दिन के लिए उपवास करेंगे तो क्या ग्रहण करेंगे, जौ की खेतरी बोई जाए और फिर हरी हरी घास जो 9 बर्तनों में बोई, एक बर्तन का रोज़ घास का रस निकाला जाए और परिवार के सभी सदस्य उस रस को पीते रहें और उपवास करते रहें, और इसके साथ साथ लोगों को इसको बोने की आदत पड़ जाए और लोगों को ये साइंस समझ में लग जाए कि इस तरीके से किसी भी कच्ची सब्जी का रस पीने से या इस तरीके से जौ के ज्वारे की खेतरी के रस पीने से नज़ला, जुकाम, बुखार को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है। मगर हमने इस साइंस को नहीं समझा, हमारे पूर्वजों के त्यौहारों को और जितने भी रीति रिवाज हैं उनको समझने की आवश्यकता है। मित्रों, देर ना करो, विजयदशमी का त्यौहार है, हम इसको खुशी से मनाएं और अपने भोजन में परिवर्तन करें, क्योंकि भगवान ने व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है, वो जो चाहे बन सकता है, देवता या राक्षस। हम कौन सा भोजन अपनाना चाहते हैं, जल्दी से हम फैसला करें, तय करें भोजन में क्या खाएं, क्या ना खाएं। इस जानकारी को लेने के लिए चलते हैं महिला शक्ति श्रीमती पूजा बंसल जी के पास। नमस्कार, आइए जानें क्या खाएं और क्या ना खाएं। नॉनवेज, मीट, अंडा, मांस का पूरे तरह से परहेज करें। किसी भी तरह का नशा जैसे कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग ना करें। फिर खाएं क्या, आइए जानें। अपने दिन की शुरुआत नारियल पानी, पेठे का जूस या मौसम की किसी भी कच्ची सब्जी के जूस के साथ करें। दिन में एक भोजन केवल और केवल कच्चे सलाद करें। दिन में एक समय केवल फलाहार करें और एक समय रोटी और सब्जी का सेवन करें। हमने रामायण के अनुसार आपको देवताओं का भोजन बताया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भोजन का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। एक बार फिर हमारे नेचुरल लाइफस्टाइल परिवार के सभी सदस्यों को दशहरे के पावन त्यौहार की, पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।